तो गाइस गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे है, अभी हम कसौल में ही है और मैं अभी सो के उठ रहा हूँ और जिन लोगों के पास जाता हूँ मैं चेक करता हूँ। ये क्या, तुम लोग ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया? अब आप उठे ही नहीं सो के तो क्या करें? यार ये क्या बदतमीजी है, ये देखो रील बना रही थी अभी। यार ये तो गलत बात है तुम लोगों की, ये देखो ये दोनों छुप गए। यार ये बताया भी नहीं, नाटक देखो अब सबके। खा लिया सबने? तुमने पोहा भी खा लिया? सब खा लिया इन्होंने, पोहा ही खाया और चाय पिए मम्मी। यार ये कितनी गलत बात है। गुड मॉर्निंग कर लो मम्मी से। गुड मॉर्निंग। हाँ आईफोन से आईफोन मिला साथ। यार तो ये गलत बात है, बताओ यार कमेंट मैंने आपको उठा कमेंट में सब एक एक करके गाली दें इन्होंने। ये देखो छुपे, इनका कंबल खींचो। यार मेरे लिए भी मंगवा लेते, मुझे भी बुला लेते। ऑर्डर कर दो आप। चलो भाई पहले ब्रेकफास्ट मंगवाते हैं फिर उसके बाद। एक आप लिए चिकन तंगड़ी। अच्छा ऐसा चीज मंगाऊंगा जो कभी खाए ही ना पाए। आप फ्रूट ला दो एक प्लेट और। तो भाई मैं तो फाइनली तैयार हो चुका हूँ और ये लोग भी तैयार हो। यो सर निकले फिर लेटस। बस लेटस गो करते हैं बस 2 मिनट बाद। मेरे थोड़ी शेव आ गई है तो थोड़ी सी शेव कर लेता हूँ। खचा खचा। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ फाइनली और अभी तक कोई भी रेडी नहीं हुआ है। और विशाल शेविंग कितना टाइम लगेगा शेविंग करने में? बस हो गई, मैं वैसे ही कर लेता हूँ। अच्छा वैसे ही का मतलब? बिना क्रीम जैसे। तो स्किन रफ नहीं हो जाएगी? कुछ नहीं होता। Let's go. तो भाई अब हम लोग फाइनली ऑल सेट, मैं फुल तैयार हूँ, रजनीश फुल तैयार है, जैतिन भी तैयार है और ये भाभी भैया अभी पैकिंग चल रही है इन दोनों की। तो भाई अब प्रोग्राम ये है कि यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं कसौल से। कसौल में वैसे सच बताओ इतना कुछ खास है नहीं, मतलब कसौल शायद हम घूमे नहीं, हम ये भी कह सकते हैं। नहीं मैं बता रहा हूँ पार्वती वैली है कसौल में, अगर चलना है तो हाँ वहाँ भी चल सकते। पार्वती वैली जा सकते हो आप और मणिकरण जा रहे हैं अभी हम। है मणिकरण जा रहे हैं अभी हम, ठीक है हाँ। मणिकरण चलते हैं पार्टी। तो अभी मणिकरण जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग मनाली की तरफ निकलेंगे, फिर उसके आगे वहीं से प्लानिंग करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो लेट्स गो। यार ये कोई चलने के लिए तैयार नहीं हो रहा, लेट पे लेट करे जा रहे हो। चश्मे की दुकान और खुलवा ली है इनने। भैया कहाँ से हो आप? अच्छा कैसे लग रहे हैं? अच्छा एक के ऊपर एक और दिखाओ भैया, ऐसे और दिखाना बढ़िया। चलो हम लेट हो रहे हैं जल्दी। अरे हीरोइन जैसा ये ना चलेंगे, चलो जल्दी ये ना चलेंगे। अरे खड़े हो जा भाई। भाई मणिकरण आ गए, बहुत ज्यादा धूप है यहाँ पे, धूप बहुत ज्यादा है पर पहाड़ देखो चारों तरफ व्यू बहुत अच्छा है। अब हम जाएंगे कहाँ से यहाँ नीचे? यहाँ से भैया रास्ता कहाँ से है? रास्ता ये थोड़ी रास्ता। अभी मणिकरण के गुरुद्वारे पहुँच चुके हैं, पास में ही था जाम रुके थे वहां से, पास में ही था। कितनी सीढ़ियां यहाँ पे उतर तो जाएंगे कहीं, टांग वांग पहले टूटी पड़ी है मेरी टांग। तो भाई ये देखो गुरुद्वारा जो है बीच में है, वो धुआं निकलता दिखाई दे रहा है आपको, वो उसमें से गर्म पानी आ रहा है सामने, ये देखो इसमें से गर्म पानी आ रहा है। हाँ भाई कैसा लगा? मैं पहले भी आ चुकी हूँ। पहले आ चुकी हो? मैं पहली बार आया हूँ, रास्ते में पड़ा बहुत। मैं रास्ते से तो बहुत बार आया हूँ, आया पहली बार हूँ, लेकिन जगह मजेदार है। ये है हॉट पानी का यहाँ पे मणिकरण में, बोलते हैं इसी में खाना पक जाता है, इतना गर्म होता है ये पानी। क्या वहाँ पर गर्म है ना? टाइम वहाँ पर पैर जल रहे हैं। अंदर जाने का कहाँ है यहाँ? छोटी यहाँ से जाने का रास्ता है। क्या बोलते हैं यहाँ पे लोग? मतलब मैंने तो अभी सुना है कि मतलब यहाँ बैठो मतलब जो भी शरीर में रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं। दूर हो जाते हैं क्या? नहाने से भी और यहाँ अंदर बैठ के भी। कहाँ के? अच्छा ये देखो रास्ता, देखो यहाँ का लिखा है गर्म गुफा, कहाँ है अंदर जाके देखते हो।
कैसे है गर्मी? सामान रखे है भाई, ठंडे का दिन कोई कैसा है अंदर? बढ़िया बढ़िया जाती हूँ। अंदर ऐसा ही यहाँ पर बैठने से मुझे सारे रोग खत्म हो जाते हैं शरीर के। गर्म है ना, बहुत ज़्यादा गर्म है, पैर नहीं रखा जा रहा यहाँ। हाँ भाई, तो ये देखो पत्थरों पे लोगों ने पता नहीं क्या क्या लिख रखा है, जबकि ये गलत है, ऐसे गंदा लिख रहा है। पत्थर गंदा ना करें, बहुत गलत है ये चीज़। आप टच करके वैसे ही विश मांग लो, भगवान जी को पूरी करनी होगी तो वैसे ही कर देंगे। यहाँ पे शिव मंदिर है मणिकरण में, ये है वो कुंड जहाँ पर राइस पकते हैं। ये रही थैली, देख रही है आपको, कमेंट में बताना। छोटी छोटी थैलियाँ, इसमें राइस है, ये पक रहा है, इसमें यही मिलते हैं अलंकर में। तो भाई भैया ने वहाँ पे डाले थे छोले गरम पानी के कुंड में, चने चने भाई देखो पक गए कि नहीं, देखो दवा के प्रसाद है मंदिर पके हैं, पक गए 10 मिनट्स में, बिल्कुल हल्का सा रह गया लेकिन पक गए 10 मिनट में सर। थोड़ी देर और रखते तो फिनिश हो जाए, बिल्कुल सही पक गए छोले चावल तैयार। पर चावल पक चुके हैं, चावल अभी निकाल के ला रहे हैं, चावल जादू निकाल रहे हैं। हाँ, देखो यहाँ पर डाला था चावल की थैली, पता कैसे चलेगा कौन सी है। ये चावल की क्या हाई है, ये रहे हमारे चावल की थैली, मैं देख लूँ एक बार पक गए कि गरम पक गए। अब कैसे निकालूँ इसको, कैसे निकालूँ, तोड़ दूँ? चावल पक गए हमारे, फिर बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाई हूँ मैंने कि चावल की थैली कौन सी हमारी। ये तो दबा के देख, पुलाव रेडी हो चुके हैं, सही है अच्छा नहीं, ये रहे अब खाएंगे हम छोले चावल। भाई अभी हम लोग मणिकरण दर्शन वर्शन करके है, लंगर यहाँ पर पूरे 24 घंटे चलता है 12 महीने, और यहाँ पे बढ़िया कड़ी और पानी में पका हुआ है, उसी पानी के चावल पके हुए हैं जो पानी आपको दिखाया था, और एकदम बढ़िया खाना है, मज़ेदार। तो भाई लंगर खाने के बाद यहाँ की शुद्ध हवा खा रहे हैं हम, कैसा लगा, क्या चाय पी रहे हो? हाँ। कैसी है, बढ़िया मज़ा आ गया है। बांटा तो पीछे है, अच्छा यहाँ बता दे, यहाँ पर बढ़ता है। किचन कहाँ पर है दिखा दोगे एक बार? है किचन दिखा दोगे एक बार? इधर से, इधर से, अच्छा यहाँ भी तो चाय ही मिल रही है, चाय बनती है, और किचन यहाँ पर है, ये किचन वगैरह इधर से अंदर ले लो, ये बन रहा है देखो, ये मशीन देखो, ये कितनी बड़ी बड़ी मशीनों में लगा हुआ है, अभी तो सफाई चल रही है। ये देखो भाई मुझे कुछ अलग देखने के लिए मिला, ये क्या चीज़ है, ये आंटी जी क्या है ये? लिंगड़ी। लिंगड़ी ये यहीं होती है हिमाचल में सिर्फ? ये पहाड़ों में बर्फ में होती है। पहाड़ बर्फ में, अच्छा कभी खाई तो नहीं, कैसी होती है टेस्ट में, अच्छी होती है? टेस्ट में कैसी होती है? अचार पड़ता है, सब्जी भी बनती है, अचार बहुत पसंद है। अच्छा शाम को बनेगी ये, सुबह क्यों नहीं दी हमें? ये देखो देखने में कुछ भिंडी जैसी ही है ये, है ना, पर है कुछ अलग। कॉमिक्स को देखते हो ना, ऐसे पेड़ बने होते हैं। हाँ हाँ हाँ, देखो आपके लिए दिखाती हूँ मैं आपको, अभी शाम अभी सफाई चल रही है क्योंकि सुबह का हो चुका है खाना, शाम की तैयारी चल रही है, बड़ी बड़ी मशीन है यहाँ पर, ये देखो। तो भाई हम कसौल से निकल चुके हैं और यहाँ पे पहाड़ों में गर्मी की वजह से आग लग गई है, तो आना मत, मतलब आना मत कहने का मतलब है कसोल में इतना कोई मजा नहीं है खास। हाँ, ये तो या तो ट्रैकिंग करनी हो तो आओ, मोस्टली लोग यहाँ पे नशे के लिए आते हैं और वो हम करते नहीं, तो हमें पता नहीं था। भाई अभी अभी हम रुके थे हिमाचल के फ्रूट्स खाने, ये क्या है जी,
खुमानी, ये खुरमानी है, खुरमानी होती है ना, ये शक्कर पारा है, ये शक्कर पारा और आलू बुखारा है, ये आलू बुखारा क्या रेट है सारे? ये 100 है, सब 100 रुपए है, सब ये 50 है, ये 50 है, अच्छा और ये 100 है, पका हुआ है वो, अच्छा। कैसा लगा टेस्ट में, क्या लिया है? शक्कर पारा, शक्कर पारा मीठा है, शक्कर पारा खुमानी, भाई ये है खुरमानी होती है।